जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, फाइनली लखनऊ यूनिवर्सिटी ने आपको वो फल वो खुशखबरी दे दी जिस चीज़ का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बात करेंगे दोस्तों एमएड आपके फाइनल पेपर का डेट शीट आ गया। तो जो बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से या लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज से एमएड कर रहे हैं, अब तैयार हो जाइए, अब वो समय नहीं बचा। आपके एमएड की एग्ज़ाम डेट शीट जारी कर दी गई है। तो क्या है आपका एग्ज़ाम डेट शीट, आइए उस पर चर्चा करते हैं और देख लेते हैं कि एमएड कब से है आपका पेपर। तो आइए ज़रा देखते हैं दोस्तों। बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि पेपर बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, यानी कि आपका जो पेपर है वो कब शुरू हो रहा है दोस्तों। एमएड का पेपर शुरू हो रहा है 11 तारीख से अगले महीने में, यानी कि जून से आपका पेपर शुरू होने वाला है। और पहला पेपर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है 9 से 12। एमएड सेकेंड सेमेस्टर की बात की जाए तो एक दिन का गैप है, 13 को पेपर है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एक दिन का गैप है, 15 को पेपर है। रिसर्च इन एजुकेशन, उसके बाद जो दो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें अच्छा खासा गैप दिया गया है, 20 और 22 को पेपर है। तो कुछ इस तरीके से आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल किया गया है। डेफिनेटली आई होप कि अभी तक तो तैयारी आपकी हो गई होगी, लेकिन इतनी सीरियस नहीं हुई होगी। बट अभी वो मौका आ गया है जब हमें सोचना नहीं, हमें सीरियसली तैयारी करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो फोर्थ सेमेस्टर का भी 12 से पेपर है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एक दिन का गैप, 14 को, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद 19 को पेपर, ग्लोबल प्रस्पेक्टिव इन एजुकेशन या फिर ICT इनेबल्ड एजुकेशन। 21 को पेपर, वैल्यू एंड पीस और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से एमएड वालों के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जल्द से जल्द जारी कर दिया। मुझे लगता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपका सेमेस्टर, आपका कोर्स जल्द पूरा हो, ताकि आप जल्दी से नेट GRF करके असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो इसीलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जल्दीबाजी करी और आपका सही समय पे आपका डेट शीट जारी कर दिया। और अच्छी बात यह है कि अभी भी आपके पास, अगर 11 से पेपर है दोस्तों, अगर 11 से पेपर है तो अभी आपके पास 20 दिन बचे हैं अच्छी से तैयारी कर, 20 दिन से ज़्यादा बचे हैं एक्चुअली, तो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अब बस एक हफ्ता बचेगा तब तैयारी करेंगे। सो फाइनली वो समय आ गया जब आपको सीरियस से तैयारी करें। मैं अपनी तरफ से देखो, मैं स्टिल आई एम परसुइंग एमएड, सो मैं मेरी तरफ से जो भी हो सकेगा मैं वीडियो के माध्यम से आपसे हेल्प करूँगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई रिक्वेस्ट यू टू डू ज्वाइन, टू डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। जो भी इस पर चीज़ें होंगी चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, और अच्छा होगा ना, एक साथ इस पर पढ़ाई कर लेंगे। सो माई ऑल द बेस्ट विशेज आर विथ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छे से दीजिए, तैयारी अच्छे से करिए। आई होप कि आपने नोट्स बना लिए होंगे, प्रिपरेशन शुरू कर दिया होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले पेपर्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।